हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मैं के व्लॉग्स में। तो आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आपने सुबह की वीडियो पर कमेंट करे थे, तो उस कमेंट को मैंने पढ़ा और मुझे सोचने की ताकत मिली, कुछ विचार मिले कि मुझे क्या करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला था कि तुम्हें मैं भी कर लेना चाहिए, और कुछ यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि अभी नहीं करना चाहिए। तो मैं वहाँ पर भी कंफ्यूज हो गई थी कमेंट में भी। तो उस पर फिर मैंने सोचा और विचार करा कि क्या करना चाहिए। जो चीज़ नहीं सोच रही थी ना, मैं वो भी सोचने लग गई। उसके बाद फिर मैंने ना मेरे हस्बैंड फिर दिन में आए घर पर, इस मैटर में मैंने उनसे बात करी, उनको समझाया, बोला ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर। और उसके बाद फिर है ना, देखो बेबी का जो डिसीज़न होता है ना, वो छोटा डिसीज़न नहीं होता है, लाइफ का बहुत बड़ा डिसीज़न होता है। और एक परिवार को चलाना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। देखो परिवार चलाना, आगे देखो, आज वो मुझे आज मैं उनकी लाइफ में आई हूँ, तो वो मुझे संभालते हैं, मुझे सब चीज़ें करते हैं। आगे चलकर मेरा हम दोनों का एक बेबी भी हो जाए। देखो मेरा अभी मैं इस चीज़ को उनको बोल लूँ भी सही और उनको फोर्स भी करूँ ना, तो ये मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैं किसी के ऊपर इतना मतलब फोर्स नहीं दे सकती। दिल से इच्छा होना इंसान की, तो वो बहुत मैटर करता है। पहली बात तो ये, दिल से मन होता है ना कि नहीं हाँ आप कर लेना चाहिए, तो जो हमारा जो फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, हमारा जो फ्यूचर का जो जो हमारा फ्यूचर है ना, उसका जो डिफरेंट हमने सोचा है, जो डिफरेंट करने का सोचा है, तो यही चीज़ है। तो और बेबी चलो हो भी जाता है ना, तो आगे परिवार को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बच्चे को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक माँ बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लाइफ में। और मैं माँ बनूंगी, तो मैंने बहुत कुछ सोचा कि मेरे बच्चे को मैं ऐसा रखूंगी, मेरे बेबी को वैसा रखूंगी। तो वो रखने के लिए भी मुझे कुछ करना है ना, जो हम सोच रहे हैं वो तो करना पड़ेगा ना। आप लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे कमेंट के बहुत समस्या होती है आगे जाके, मैं एक अभी से कर लेना चाहिए, बहुत समस्या आ जाती है। तो देखो अब शादी है ना, बहुत सारे लोग शादी है ना 24-25 साल की एज में शादी करते हैं। मेरी शादी जल्दी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेबी भी जल्दी कर लूँ। मेरी शादी जल्दी इसलिए हो गई कि क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे थे, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमारी शादी जल्दी हो गई। लेकिन बहुत सारे लोग शादी 24-25 साल की एज में करते हैं, और उसके बाद 24-25 साल की एज में शादी हो जाती है, उसके बाद फिर 2-3 साल बच्चे का डिसीजन लेते हैं, मतलब 26-27-28 साल के हो जाते हैं, उसके बाद बच्चे का डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर वो उनकी जगह देखो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने शादी करी, उसके बाद उन्होंने 3 साल बाद बेबी कर लिया। अभी हमारी शादी जल्दी हो गई, मतलब 18 के प्लस हुई, 18 प्लस मतलब 18 प्लस हुई थी, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी यहाँ पर। और तो शादी कर ली थी, वो तो घर वालों का मतलब मुझे फोर्स आ गया था बहुत ज़्यादा कि एंगेजमेंट का और ये सब चीज़ें घर वालों को पता चल गई थी इनके बारे में, तो उस चक्कर में मैंने जल्दी शादी कर ली। लेकिन मैं भी थोड़ा लेट शादी करती, हमारा जो डिसीजन था थोड़ा लेट था कि मैं 20 की हो जाएगी, उसके बाद मतलब 21 की में लग जाऊंगी ना, तब शादी करेंगे, तो ताकि आगे जाके कुछ दिक्कत नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आए। और मेरी बात करूँ तो मेरे में अभी थी मैच्योरिटी तो है, देखें, लेकिन बच्चे को लेकर इतनी मैच्योरिटी नहीं मुझे कि बच्चा है ऐसा वैसा। हाँ मेरी सासू माँ है मुझे समझाने वाली कि ऐसा वैसा, वो सब चीज़ें मुझे बताएंगे, लेकिन वो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा बच्चे की जिम्मेदारी मैं खुद लूँ, मैं किसी के ऊपर जिम्मेदारी ना दूँ, मेरे बच्चे की जिम्मेदारी ना। मैं मेरे पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहती हूँ उस बारे में, ना ही मैं मेरे सास ससुर ये मेरे पेरेंट्स हैं, ना मैं इनको इस चीज़ पे मतलब उनको टेंशन देना चाहती हूँ, या फिर क्योंकि अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है, तो बच्चा संभालना बहुत मुश्किल रहता है लाइफ में। तो मैं खुद मेरे बेबी को संभाल पाऊँ ना, मुझे इतना हिम्मत वाला बनना है, इतना ताकत वाला बनना है। तो इसीलिए तो मैं थोड़ी थोड़ी हिम्मत वाली बन जाऊँगी ना, थोड़ी ताकत वाली बन जाऊँगी। और आप देख सकते हो मेरी हेल्थ कैसी है, पहले मेरी हेल्थ कैसी है, मैं कितनी दुबली पतली हो रही हूँ, थोड़ी हेल्थ मेरी बना लूँ, थोड़ी सी हट्टी कट्टी हो जाऊँ, तो उसके बाद बेबी करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि नहीं यार चलो बेबी कर लेना चाहिए, एक बेबी को संभालने की मेरे पास मतलब मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, वो चीज़ मैं कर पाऊंगी, मेरा 100% अंदर उससे होना चाहिए कि नहीं यार आप कर लेंगे। और इस बारे में मेरे हस्बैंड से बात करी थी ना, तो उन्होंने भी, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि महक तुम्हारी इतनी एज नहीं है अभी, और अभी तुम 21 साल की हो, इतनी एज नहीं है, और बेबी का जो डिसीजन रहता है वो दोनों सोच समझ के अपन कर लेंगे, और तुम्हें इतना मतलब प्रेशर मतलब अपने माइंड में इतना प्रेशर मत दो, और किसी की बात पर ध्यान मत दो, और आगे जाके समस्या आती है ऐसा कुछ नहीं है महक, वो तो सब
हो जाएगा देखो। और ना जैसे कमेंट भी आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा कमेंट पढ़कर थोड़ा सा सोचने लगी थी। उन्होंने बोला था कि तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो, किसी का प्रेशर खुद पर मत लो। जैसे मम्मी पापा बोल रहे हैं, सब मतलब फोर्स कर रहे हैं। हमारे जो कॉलोनी वाले ना, सब बोलते हैं, मुझे पता है, सब बोलते हैं कि मैं तुम्हें बेबी कर लेना चाहिए, अभी बहुत टाइम हो चुका है। हमारे मौसी आए थे दशहरा विश करने के लिए, तो ऐसा बोल रहे थे कि बेबी प्लान कर लेना चाहिए। अभी उनकी लड़की को ही बेबी नहीं हुआ, उनकी लड़की को 3 साल हो गया शादी को, वो मतलब सोच ही नहीं रहे इस बारे में। और उनकी मम्मी जैसा फोर्स डाल रहे हैं, तो किसी पे अपन फोर्स नहीं डाल सकते। देखो उनका बच्चा है, तो वो उनके हिसाब से, वो उनको जब ठीक लगेगा वो कर लेंगे, तो ऐसा फोर्स नहीं डाल सकते। फिर मैंने मौसी को वहां पर बोला, मौसी आपकी लड़की को तो हो जाए, मेरे उनकी लड़की के 3 साल हो गए उनकी शादी को। तो यही चीज़ है, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही चीज़ें बोली कि मैं कभी एज नहीं इतनी, ऐसा वैसा उन्होंने सब अच्छे से समझाया मुझे। आज का जो समाज जो प्रेशर देते ना, तो समाज का प्रेशर मत लो महक, तुम समाज का प्रेशर लोगी ना, तो जिम्मेदारी, एक बच्चे की जिम्मेदारी एक पेरेंट्स के ऊपर होती है, अपने ऊपर, दोनों के ऊपर रहेगी। तो वो अपन किसी के समाज के प्रेशर चलो कर भी ले, और अपन उसको बेस्ट से बेस्ट नहीं दे पाएंगे ना, तो अपन खुद फिर बाद में पछताएंगे कि अपने बच्चे को अपन ने बेस्ट नहीं दिया, ऐसा वैसा। तो इस सब चीज़ें उन्होंने बोली थी। और यहाँ पर वो मेरी दीदी है ना, मेरी सिस्टर, मुझे रियल सिस्टर, तो उन्होंने भी ना बेबी करने की बहुत जल्दी करी ली। उनको भी बेबी बहुत जल्दी उन्होंने करी थी कि कर लेते शादी को, 1 साल भी नहीं हुआ था और बेबी मतलब वो प्रेग्नेंट हो गए थे उसके बाद। मुझे भी ऐसा लगा था कि दीदी इतनी जल्दी नहीं करना था, अभी तो शादी करिए, थोड़ा सा लाइफ इंजॉय करते, घूमते फिरते। फिर उन्होंने बोला कि अब दे दिया है ऊपर वाले ने, तो फिर हम उस चीज़ में सब पूरे घर वाले राजी हो गए थे। अब दे दिया है तो अब क्या ही कर सकते हैं, तो उसमें हम सब फिर राजी हो गए थे कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। खुशी की तो बात होती होती है, वो बहुत बड़ा खुशी की बात होती है। उसके बाद फिर उनका बेबी वेबी हो गया, और उनकी जो बॉडी थी ना, मेरे से भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुबली है, मुझसे भी दुबली है, और हेल्थ उतनी कमज़ोर थी उस टाइम तो उनकी। तो फिर उनको बेबी हो गया, प्रेग्नेंट हो गया, उसके बाद है ना 8 महीने उनको हो गए थे। तो 8 महीने बाद उनका मिसकैरेज हो गया। क्यों हो गया, रीज़न क्या था, कि लड़की में एनर्जी नहीं थी कि बच्चा संभालने की। आया आपको समझ में? तो यही चीज़ मैं सोचती हूँ, मुझे इस चीज़ का ही डर लगता है। उनका मतलब मिसकैरेज हो गया था उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो इतनी रोई थी ना, जब एक बेबी की वो हो जाता है ना कि नहीं यार अब बेबी घर में आएगा, खुशियाँ घर में आएगी, बेबी खिलाऊंगी। और मुझे ना बच्चे से खिलाने का इतना शौक है ना। उसके बाद उनका ना मिसकैरेज हो गया था। बहुत वो दिन याद आ गए मुझे, इमोशनल हो गई, सॉरी गाइस। उस टाइम बहुत रोए पूरे, मेरे पापा भी इतने गंदी तरह से रोए थे ना, इतने मेरे पापा को पहली बार मैंने ऐसा रोता हुआ देखा था। मैं पापा को बोल रही थी कि पापा आप जब दीदी विदाई हुई थी दीदी के, जब आप इतने इतने भी नहीं रोए थे, और आज अब इतने रो रहे। तो पापा ने फिर सबने ऐसे ही बोला, पूरी फैमिली वाले ने, एक उम्मीद बन जाती है ना, वो उम्मीद बन गई थी कि बेबी घर में आएगा। फिर वो उम्मीद बन गई थी, फिर उसके बाद है ना वो उम्मीद टूट गई थी हम सबकी। तो जब एक उम्मीद टूट जाती है ना, तो जब मुझे वो चीज़ पता, वो मॉर्निंग की बात है, सुबह मॉर्निंग में मिसकैरेज हुआ था उनका 5 बजे के समथिंग। उसके बाद मैंने मेरे जीजू को फ़ोन मैंने कराया, उसके बाद मैंने मेरे जीजू को फ़ोन करा, वो आए वहाँ पर। उनको मैंने बोला भी सही, मेरे को डर लग रहा था कि वो रास्ते में इतनी दूर से आएंगे, तो डर लग रहा था, मैं उनको बता नहीं पा रही थी। फिर पापा ने बोला बताना तो पड़ेगा बेटा। उसके बाद फिर उनको बताया, फिर उसके परिवार उनके परिवार वाले सब आए, और फिर मेरे जीजू को भी देखा। मेरी दीदी को उस टाइम नहीं बताया था कि बेबी, बोला था कि हाँ अभी इधर सेफ है, उधर रखा हुआ है, दूर है थोड़ा सा, तभी ठीक नहीं, उसकी कमजोर हुआ है बेबी, मेरी दीदी को ऐसा बोला था। उसके बाद उनको भी बताना पड़ा, तो उस टाइम वो भी बहुत रोए थे। वो बहुत मतलब एक बेबी, एक सोच सकते ना, मेरी बेबी मतलब मेरी दीदी का जो बेबी वो दुनिया में नहीं आया, उससे देखा नहीं, उससे पहला वो चल बसा। उस चीज़ का बहुत, उसका नाम भी फिर रखा था बाद में, क्योंकि क्या याद रहता है ना, उसका नाम उमर रखा था, फिर लड़का हुआ था, बच्चा सही से बना नहीं था। और डॉक्टर ने ये बोला था कि लड़की बहुत वीक थी और खून भी शरीर में कम था इसकी वजह से, तो थोड़ा मेरे से भी ज़्यादा उनकी तो हालत गई हुई थी। उसके उसके 1 साल बाद तो फिर उनका वापस से वो प्रेग्नेंट हुए और उनको लड़की हो गई। आप सभी को पता ही, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, तो आप उनको लड़की हुई है तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और बहुत अच्छे से उनका सेलिब्रेशन करा था, लड़की घर पे आई थी ना, बहुत अच्छे सेलिब्रेशन करा। अब तो वो ससुराल चले गए, मतलब लड़की कोई 4-5 महीने की हो गई लड़की, मतलब मेरी दीदी की, उसको तो मैं नहीं देख पाई, वो तो मेरे नसीब है, कोई बात नहीं। तो यही सब बातें थी, यही सो ये चीज़ में मैं सोचने लग जाती हूँ ना कभी कभी, तो मुझे बहुत डर लगता है कि अभी मैं इतनी
मैं फिर मैं खुद को सोचती हूँ यार, मैं तो इतनी मेरे में भी इतनी एनर्जी नहीं, मैं भी दीदी जैसी ही हूँ, तो वो चीज़ का मुझे डर लगता है कि इन कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या, भाई माइंड में वो चीज़ें चलती रहती है ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा क्या करेंगी, और थोड़ा सा बेबी को लेकर डर भी लगता है और अभी हम क्या है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी है मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों को थोड़ा सा बहुत टेंशन में, दूसरी चीज़ों का भी, हमें लोग बहुत सारे लोगों ने टॉर्चर करा, बहुत सारी चीज़ों ने बोला और ऐसा आने वैसा हो जाएगा, तो उस चीज़ का हम बहुत मतलब मेंटली टॉर्चर हमें किया भी गया और हम उस चीज़ को बहुत टेंशन में, अभी भी हमारे को लोग मतलब मेंटली टॉर्चर करना तो कभी नहीं भूलेंगे, देखो एक हिंदू मुस्लिम कपल को इतना टॉर्चर मत करा करो, सच में वो जीना भी चाहते हैं ना, तो आप लोगों की वजह से वो नहीं जी पाते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये टेंशन हमारे बच्चों को भी दे, हम हमारे बेबी उसको भी दे, हाँ उनको तो इन फ्यूचर पता भी चलेगी, लेकिन वो जबकि जब वो सब हम उस टाइम हैंडल करेंगे, लेकिन अभी हम नहीं चाहते कि हम जिस प्रेशर में हैं, जिस टेंशन में, वो प्रेशर भी हमारे बच्चे को दो, हमारे बेबी को दो, देखो बच्चा करना एक अलग बात है और मेच्योरिटी की बात है और एक बड़ा डिसीजन है और बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, हंसी मजाक अपनी जगह है, पागलपन अपनी जगह है, इसलिए तो थोड़ा सा किसी के भी फोर्स में नहीं आना हमें, हम दोनों का डिसीजन है तो हम दोनों सोच समझ के कर लेंगे, तो आप लोग भी इतना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग भी हमारे लिए बोलते हो, हमारे अच्छे के लिए बोलते हो कि मैं कैसा वैसा, आपको तो मैं दिल से थैंक यू सो मच एक बार और बोलती हूँ, क्योंकि आप हमारे लिए अच्छा सोचते हो, इसलिए आप हमें बताते हो कि मैं आगे चल कैसा होता है वैसा होता, तो आप इतना टेंशन मत दो, आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे टाइम चाहिए बस, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दी, तो चलो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।